दोस्तों आज मैं आपसे लेबनान के बारे में बात करूंगा, जो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है और इसका ऑफिशियल नाम है लेबनानिस रिपब्लिक। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और फ्रेंच है। और दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल सिटी है बीरूत। लेबनान देश कुल मिलाकर सिर्फ 10,452 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 61 लाख के आसपास। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को लेबनान के बारे में कुछ कमाल और गजब की बातें बताने वाला हूँ। ये मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश माना जाता है जिसका इतिहास काफी ज्यादा खास है। लेबनान को मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा पुराना देश माना जाता है, जो कि आज से लगभग 9000 साल पुराना है। और दोस्तों ये दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका नाम पिछले 4000 सालों में कभी भी चेंज नहीं हुआ। दुनिया की बहुत सारी अजीब और हैरान करने वाली चीजों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। लेबनान का नाम बाइबल में 70 बार से भी ज्यादा लिया गया है। जीसस क्राइस्ट ने अपना पहला चमत्कार, जो कि उनका लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार माना गया था, उन्होंने लेबनान में ही किया था। यहाँ की कैपिटल सिटी बीरूत एक ऐसा शहर है जिसको आज तक 7 बार बर्बाद किया गया और 7ों बार इसे फिर से बसाया भी गया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लेबनान के केदार को भगवान ने अपने हाथों से बनाया है, जिसका नाम आज तक बाइबल में 75 बार से भी ज्यादा लिया जा चुका है। लीबनन को ईश्वर का देश भी कहा जाता है। इतिहास के साथ कई समय से जुड़े रहने के चलते ही यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान भी मौजूद हैं। दोस्तों रोमन साम्राज्य के समय ये ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन 1100 शताब्दी में यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और यहाँ के ज्यादातर लोग धर्म परिवर्तन के चलते ही मुस्लिम बने। आज के दिन यहाँ पर 55% मुस्लिम और 41% ईसाई हैं। एक समय पर यह फ्रेंच कॉलोनी भी हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तो लेबनान को आजादी मिली। लेबनान मिडिल ईस्ट का ऐसा पहला देश है जहां पर लोकतंत्र प्रतिष्ठित हुआ और यहां पर संविधान को लागू किया गया। यहां पर 18 से भी ज्यादा जाति के लोग रहते हैं, लेकिन धर्म और जाति के हिसाब से यहां पर सभी को इक्वली माना जाता है। जैसे अगर इस देश का राष्ट्रपति ईसाई बनेगा तो यहां का प्राइम मिनिस्टर बनेगा मुस्लिम। इसी तरह से हर जगह सभी को पूरा मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का। यहाँ पर सिविल लॉ है, लेकिन हर धर्म के लोगों को सामाजिक अदालत बनाने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। इस देश में आज के दिन 4 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीन रेफ्यूजी रहते हैं। हालांकि 2005 से पहले उन्हें कोई भी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, लेकिन आज के दिन उन्हें सभी तरह के अधिकार दिए जाते हैं। लेबनन को एक बहुत ही अमीर, रिच और डेवलप्ड देश माना जाता है। इसकी इनकम का 67% हिस्सा सर्विसेज से आता है और बाकी का हिस्सा बैंक सुरक्षा से आता है। ये देश अपनी बैंक की मजबूती और बैंक की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में बड़ा ही फेमस है। इस देश की अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। एजुकेशन लेवल दोस्तों इस देश का काफी अच्छा है। यहाँ के लगभग 97% लोग पूरी तरह से एजुकेटेड हैं। और बात अगर मैथमेटिक्स और साइंस की जाए तो इस सब्जेक्ट में यहाँ के लोग पूरी दुनिया में नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ की करेंसी लेबनिस पाउंड है, जो इंडिया के सामने थोड़ा कमजोर पड़ती है, और एक लेबनिस पाउंड हमारे इंडिया के सिर्फ 46 पैसे के इक्वल है। पूरी दुनिया का सबसे पहला लॉ यूनिवर्सिटी भी लेबनान में ही बना था। तो दोस्तों आपको ये देश कैसा लगा नीचे अपनी राय यार जरूर देना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।